खबर है और ये खबर लेकर आए हैं शरद हमारे साथ। क्या खबर है हमारा खास सिमना, ये देखते हैं। जी बिल्कुल, श्याम मेटालिक जो है फोकस में रहने वाले और यहाँ पे जो हमारे सूत्र से पता चल रहा है कि ब्लॉक डील जो है आने वाले दिनों में जो है आ सकता है, लगभग 10 से लेके 12% स्टेक जो है ब्लॉक में रहेगा। यहाँ पे प्रमोटर्स का लगभग 88% स्टेक जो है कंपनी में है और प्रमोटर्स की जो है अपनी उस स्टेक की बिकवाली होगी। अभी ऑफकोर्स मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स के लिए होने वाली है और जो ब्लॉक एक्सपेक्टेड है यहाँ पे म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनीज जो है इस पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉक देखे तो मार्च के लो से 40% से ऊपर जो है स्टॉक हो गया और हमने जो जून 12 को भी इस खबर पे जो है हमने बात की थी और इसके उसके अलावा जो है स्टॉक में लगभग कह सकते हैं 8 से लेकर 10% का इजाफा देखने मिला। और जो ट्रिगर्स की बात करते हैं आगे जाते हैं वो इंक्लूड करती है कि मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट देखने मिल सकती है क्योंकि जो थर्मल कोल कॉस्ट है उसमें गिरावट आया है और स्टेनलेस स्टील कैपेसिटीज़ में जो है एक्सपेंशन की जो है रैंप अप देखने मिली है। अगर कंपनी के रिटर्न रेशियोज़ के बारे में बात करें FY23 के लिए ROE ROC 13 से लेकर 15% तक, ब्रोकरेज का मानना है कि अपने इंडस्ट्री के जो है बेस्ट लेवल्स पीएस को कंपेयर करें तो वो देखने मिल रही है। इसके अलावा जो है कंपनी आगे जाते हुए नीच प्रोडक्ट्स और हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स इस पर जो है ओवरऑल फोकस करने वाली है, तो इस स्टॉक को ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। कंपनी नज़र रखने वाली है और एक बड़ा ब्लॉक इसमें आ सकता है, इस पर नज़र रखना है। ठीक है, शुक्रिया शरद, शाम मेटालिक्स इस पर ध्यान रखेंगे हम ये खबर पूरी बताने के लिए। बढ़ते आगे